देखो एसएस राजा मौली साउथ सिनेमा के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करने के लिए स्टार लाइन लगाकर खड़े हैं। बाहुबली और ट्रिपल आर से दुनिया भर में भोकाल मचाने के बाद अब एसएस राजा मौली अपनी अगली फिल्म की तैयारी में हैं। इस वक्त वो SSMB 29 के प्री प्रोडक्शन वर्क पर लगे हुए हैं एंड पिक्चर के अंदर महेश बाबू लीड रोल में होंगे। देखो पहले प्रभास अन्ना जूनियर NTR और रामचरण को कोई इतना जानता भी नहीं था, लेकिन जब से इन्होंने राजा मौली के साथ काम किया है तब से ये स्टार पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं। मतलब कि राजा मौली जी जिस पर अपना हाथ रख देते हैं उसका फेमस होना पक्का है। तभी तो एकदम से प्रभास जूनियर NTR और रामचरण एक मूवी के लिए तगड़ी फीस चार्ज करने लगे हैं, लेकिन अब SS राजा मौली महेश बाबू पर मेहरबान है। हालांकि महेश बाबू का स्टारडम शुरुआत से ही काफी अच्छा रहा है और यहाँ तक उन्होंने पैन इंडिया फिल्में भी नहीं की हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पहले से खूब पसंद करते हैं। लेकिन अब राजा मौली के साथ एक ऐसी बिग बजट की पिक्चर बनाने वाले हैं जिससे महेश बाबू साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। देखो महेश बाबू के साथ राजा मौली जो पिक्चर ला रहे हैं वो है SSMB 29, जिसका बजट ही इतना है कि 10 एनिमल जैसी फिल्में बन जाएंगी। हाँ यार, 1000 करोड़ के बजट की पिक्चर राजा मौली महेश बाबू के साथ करने जा रहे हैं। अब 1000 करोड़ की पिक्चर है तो कुछ बड़ा ही प्लान किया होगा राजा मौली ने, जो भारतीय इतिहास की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। देखो हाल ही में राजा मौली की एनिमेट सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का ट्रेलर जो है रिलीज कर दिया है और 17 मई को एक्शन से भरपूर ये सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है। SS राजा मौली ने फिल्म बाहुबली से एक अलग ही दुनिया रची थी जिसकी कहानी उन्हीं किरदारों के इधर उधर घूमती है। फिल्म में वो सब कुछ देखा जिसे लोगों ने ना ही सोचा था ना ही कभी देखा था। बस इसी वजह से उनकी पैन इंडिया फिल्म साउथ इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर बन गई। जब 250 करोड़ के बजट की मूवी गेम चेंजर बन सकती है तो अब 1000 करोड़ वाली फिल्म से पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देंगे। महेश बाबू और SS राजा मौली की फिल्म SSMB 29 भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली पैन वर्ल्ड फिल्म होगी। न्यूज के मुताबिक महेश बाबू के किरदार के लिए 8 अलग अलग लुक फाइनल किए गए हैं, हालांकि उनके बारे में जानकारी गुप्त रखी गई है।